दोस्तों अगली प्रतिभागी है अंजलि सामंत, जिनकी रोशनी है दिग्दिगंत, जिनकी रोशनी है दिग्दिगंत, उनका नाम है अंजलि सामंत, उनका नाम है अंजलि सामंत। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। वाह क्या बात है, घेरदार अगर पैर रखो कतुभल किशोर पैर रखी तो जोरदार ताल उड़ते हैं कि नहीं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। दोस्तों अब अगली प्रतिभागी आ रही है अंजलि सामंत, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये अपनी खूबसूरत मुस्कान डायरेक्ट पूना से लेकर आई हैं, तो पूना जितनी लंबी तालियां तो इन मुस्कान के लिए बनती हैं। क्या बात है दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, कहीं ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में, ये पूरे हिंदुस्तान में है। आदरणीय जजेस और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं नमस्कार। मैं नाम छू अंजलि सामंत और मैं मैच छू बाल मिठे और कोसी नदी वाल अलमोड़ में, और मैं सराज छू खूबसूरत पहाड़ों वाल पिथौरागढ़। तो आज मी टैलेंट राउंड में डांस प्रस्तुत करूँ आप सब सब सामने। बात है, तालियों का उत्सव होना चाहिए दोस्तों, तालियों का उत्सव होना चाहिए, दिखा देना चाहिए। मेरा सवाल है 24 नंबर कंटेस्टेंट से, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं आपके सामने कुछ तीन नाम पढ़ने वाली हूं, आपको किसी एक नाम के बारे में जानकारी देनी है मुझे। ये उत्तराखंड की नारियां हैं, तिलू रौतेली, रामी बौराणी, बचेंद्री पाल और गौरा पंत उर्फ शिवानी। इनमें से किसी एक के बारे में आप मुझे बताइए कि ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, कोई भी एक। हाँ जी जय, बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी श्रीमती श्री बचेंद्री पाल जी के बारे में। वो पहली महिला थी हमारे उत्तराखंड की जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करके हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया था। थैंक यू, बहुत खूब। इन्होंने एवरेस्ट क्यों बोला जानते हैं? काफी दूर पूना से आई है ना, काफी लंबा फासला है, तो इसीलिए लंबे फासले को ध्यान में रखते हुए उसी को चुना उन्होंने। आप लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज किसको जाता है। Am I right? आवाज नहीं आ रही यार, ऐसा लग रहा है सब सो गए।
जोर से, वेरी गुड, अभी जाग गए सब। थर्ड प्राइज गोज टू नंबर, बैच नंबर गोज टू 24। क्लैप जोरदार।